आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। भोरे के खजुराहा में बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े गैराज पर स्कॉर्पियो ठीक करा रहे अरविंद कुमार सिंह को गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत ही उन्हें भोरे रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति में गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया। घायल व्यक्ति भोरे के चर्चित व्यवसायी स्वर्गीय रामाशंकर सिंह का रिश्तेदार है। डीएसपी आनंद मोहन गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। एहतियात के तौर पर वज्र वाहन के साथ कई थानों की पुलिस को घटनास्थल पर बुलाया गया। बताया जाता है कि अरविंद कुमार सिंह खजुराहा में स्थित आजाद गैरेज पर अपनी स्कॉर्पियो को ठीक करा रहे थे। इसी दौरान एक बाइक से तीन अपराधी पहुंचे और नजदीक से उन पर गोली चला दी। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा और एक कारतूस बरामद किया है। स्थिति को देखते हुए कटिया विजयपुर के साथ अन्य थाने को भी बुलाया गया। एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने कहा कि शीघ्र ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सदर भाजपा विधायक कुसुम देवी ने गोपालगंज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और सिविल सर्जन से मुलाकात की। उन्होंने मरीजों से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। सदर विधायक ने बताया कि बिहार सरकार की तरफ से सभी सरकारी अस्पतालों में सभी प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि मरीजों को सरकार द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं का लाभ दिलाया जाए। महिला वार्ड, ओपीडी सहित अन्य विभागों का निरीक्षण कर वहां मौजूद मरीजों से स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली। सब जगह देखे हैं, जो कमी है उसको हम लोग सुधारेंगे। सबसे मिले हैं, सब रोगी लोग बोले हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यवस्था में कमी है वो सब हम लोग करेंगे। क्या कमियां नजर आई? कमियां तो सब कहीं कमी नहीं है, खाली सफाई में थोड़ा कमी है, नहीं तो और कहीं कमी नहीं है। सबसे पूछे दवा, डॉक्टर सब कोई ठीक है, आते हैं देखते भी, दवा भी सब मिल रहा है। यहाँ कोई कमी नहीं है, कमी वही सफाई में है। वही सफाई के बारे में हम लोग बोलेंगे, व्यवस्था सही रहेगा सफाई का। मीरगंज थाना क्षेत्र में सफाई कार्य को लेकर दो मजदूरों के बीच विवाद हो गया, जिसके दौरान मारपीट हुई। एक मजदूर जख्मी हो गया और उसे इलाज के लिए हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पत्नी ने अपने पड़ोसी उमेश बासपुर पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और कार्रवाई में जुटी हुई है। कहलम हन कि जा ठेला से कचरा फेंक दो। एगो उमेश बासपुर हम हा से ठेला मंगवन तो कहत रहे ठेला ना देम, हम गारा गलौज कैल हँ। कैल के बाद में इनका ढकेल दूँ, ढकेल के अब इनका हॉस्पिटल ले जात ले जात। डॉक्टर बोल रहा था कि नहीं खत्म है, मर गए। हम सर ना रहनी, हम के डिप्टी में रहनी है सर। आ का जाने कैसे मरल हन, ढकेल दिल बड़े गिर के मर गए। कारण क्या था? कारण कुछ ना सर। पहले से कोई विवाद था? ना। क्या नाम है आपका? है क्या नाम है आपका? आजाद बासपुर। हम मृतक का ढेबर बासपुर। कहाँ घर पड़ता? मीरगंज दक्षिण वाला थाना मीरगंज। क्या लगते हैं? हमारा पिताजी लगते हैं। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए गोपालगंज जिला और पुलिस प्रशासन ने नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की है। जिला समाहरणालय परिसर से डीएम मोहम्मद मकसूद आलम और एसपी स्वर्ण प्रभात ने कार्यक्रम की शुरुआत की और जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया जाएगा। लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने, ओवरलोडिंग न करने और तेज रफ्तार से बचने की सलाह दी गई। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया कि वे नुक्कड़ नाटकों को देखें और दिए गए संदेशों का पालन करें। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि सड़क दुर्घटना यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण होती है और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे जिले भर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और गोपालगंज के वासियों से अनुरोध होगा कि वो हेलमेट पहनकर सड़क पर निकले। और जैसा कि आपको पता है कि प्रतिवर्ष करीब 200 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली जाती है सड़क दुर्घटना में,
इसमें मैक्सिमम वही लोग होते हैं जो हेलमेट नहीं पहने होते हैं या सीट बेल्ट नहीं लगाए होते हैं, तो लोगों से अपील होगा कि वो बाहर निकले तो हेलमेट पहनकर ही निकले। और इसके लिए सभी जगह ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है, जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन पर कड़ा से कड़ा जो है जुर्माना का प्रावधान किया गया है, प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से हम लोग जनता से अपील करेंगे कि जो ट्रैफिक नियम है उसको पालन करें, बहुत दिक्कत नहीं होती, या मानसिकता चेंज करने की जरूरत है। यही के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ फॉलो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग फॉलो नहीं करते। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि यहाँ ट्रैफिक नियमों का पालन करिए, यातायात को सुगम संचालन के लिए नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। नेपाल में हो रही बारिश से गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने तटबंधों का निरीक्षण किया। मुख्य अभियंता संजय कुमार, बाढ़ संघर्ष आत्मक बल के अध्यक्ष नवल किशोर सिंह और अधीक्षक अभियंता दिनेश कुमार ने अहिरौली दान से विशंबरपुर तक तटबंधों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बांध पर 24 घंटे निगरानी और रेन कट की मरम्मती का निर्देश दिया। भसई, विशंबरपुर, भगवानपुर सहित कई डेंजर पॉइंटों की जानकारी ली और बाढ़ सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था का निर्देश दिया। नदी की तेज धारा मोड़ने के लिए बॉम्बो पाइलिंग पार्को पाइन का इस्तेमाल किया गया। तटबंधों पर 24 घंटे मुस्तैदी से रहने का निर्देश दिया गया। मौके पर कार्यपालक अभियंता कुमार बिरजेश, सहायक अभियंता एकता कुमारी और कनीय अभियंता मोहम्मद माजिद सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में, संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज, और अब हमारी नई शाखा गोवंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड होल मार्क सोने की चांदी के आभूषण मन चाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। माधुपुर थाना क्षेत्र के पीपरा गांव के समीप स्थित मंदिर के पास पोखरे में डूबने से 9 वर्षीय अनूप कुमार की मौत हो गई। अनूप अपनी दादी के साथ मंदिर में पूजा करने गया था और पोखरे के किनारे पैर फिसलने से गिर गया। स्थानीय गोताखोरों ने उसे निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। गोपालगंज जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने समरालय कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। जिला पदाधिकारी ने फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया। विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिनमें मकान रिपेयरिंग, आवास निर्माण में समस्या, सरकारी नाले को अवरुद्ध करने, विकलांग प्रमाण पत्र में सुधार कराने और अन्य समस्याएं शामिल थी।
पंचदरी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय नहर टोला इमिलिया तक सड़क नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने भोरे मिश्रौली मुख्य सड़क को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्कूल जा रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को भी रोका गया, जिससे शिक्षण कार्य बाधित हुआ। वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय वीडियो और सीओ की अनुपस्थिति में पंचायत के वीडियो और सरपंच ने जाम हटवाया। जमीन मालिक ने बताया कि मुख्य सड़क से स्कूल जाने के लिए रास्ता दिया गया है और ग्रामीणों की मांग है कि सड़क चौड़ी की जाए। कुचायकोट प्रखंड के मुसहरी टोला महादलित बस्ती में नाला ध्वस्त होने और घरों में पानी घुसने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि नाला का निर्माण अधूरा है और पानी की निकासी नहीं हो रही है। प्रशासन से शीघ्र मरम्मति की मांग की गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों में मुरारी साह, प्रकाश रावत, चंद्रिका रावत, किशोर रावत, जगदीश रावत, जवाहर रावत, विकास रावत, सुरेंद्र रावत, डॉक्टर रावत, नीतू देवी, रमावती देवी, आरती देवी, लखपतिया देवी, कोदई रावत, लाल बहादुर शाह सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।